वेलकम फ्रेंड्स, नीलेश गांधी फ्रॉम लैपटॉप केयर मुंबई। आज का हमारा टॉपिक है रजिस्टर, जिसके बारे में हम छोटा सा आइडिया पहले लेक्चर में ले चुके हैं, लास्ट वीक के लेक्चर में। अब हमें डीप में डिटेल में देखना है रजिस्टर क्या है, कैसे यूज होता है। आइए देखते हैं रजिस्टर क्या है। एक छोटा सा ओवरव्यू है कि कोई भी मटेरियल रहता है उसका अपना रेजिस्टेंस रहता है, जो भी मेटल है कंडक्टर है, और वो रेजिस्टेंस की वजह से जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो करंट वो मेटल या कंडक्टर में फ्लो होता है। तो जो मटेरियल का अपना रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पावर है उसको हम लोग रेजिस्टर बोलते हैं, और अगर अलग से हमको रेजिस्टेंस बोलते हैं और अलग से हमको कोई डिवाइस लगाना है जो यही काम करे उसे हम लोग रेजिस्टर कहते हैं। हमने देखा है कि रेजिस्टेंस ओम में मेजर किया जाता है और उसका सिंबल यहाँ पे दिया हुआ है, और ये जॉर्ज सिमोन ओम साइंटिस्ट थे, उन्होंने फाइंड आउट किया था उनकी कैरियर में, और उसका उन्होंने उसकी वजह से एक फॉर्मूला भी दिया है, तो उसे हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं, जिसमें वी इज इक्वल टू आई आर, जो हमने पहले देखा है। ओके, सो ये साइंटिस्ट थे जॉर्ज सिमोन ओम, उन्होंने ये रेजिस्टेंस ढूंढा था, उसको नापा था और ओम्स लॉ का फॉर्मूला हमें दिया था। तो ये रेजिस्टेंस हो गया। अभी हम लोग सिंपल एक रिवाइज कर लेते हैं कि रेजिस्टेंस मेजरमेंट जो होता है वो सर्किट का या कंपोनेंट का होता है, वो कंडीशन सर्किट का कंडीशन जो रहता है उसके ऊपर रहता है। हायर द रेजिस्टेंस लोअर द करंट, मतलब अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहता है तो करंट कम हो जाएगा, मतलब पावर कम हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट खुद ब खुद बढ़ जाएगा और पावर भी बढ़ जाएगा। वोल्टेज अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा पावर रहेगा, वोल्टेज कम है तो पावर कम रहेगा। सो पावर और रेजिस्टेंस का रिलेशन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। अगर पावर बढ़ा तो करंट बढ़ जाता है, और पावर कम हुआ तो करंट कम होता है। रेजिस्टेंस अगर स्टेबल है तो ये हमें ध्यान में रखना है। ओके, सो ये बेसिक ओवरव्यू था हमने जो पीछे सीखा है उसका। आगे देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि रजिस्टर है जो, वो एक पैसिव कंपोनेंट है। पैसिव कंपोनेंट इसे हम लोग बोलते हैं, और ये वो कंपोनेंट है जो हमारे सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ाने का काम करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है वो हम हमारे हिसाब से कम या ज़्यादा, मतलब कम ज़्यादा वैल्यू का रेजिस्टर लगा के कंट्रोल कर सकते हैं। सो रेजिस्टर इज़ ए पैसिव टू टर्मिनल इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज अ सर्किट एलिमेंट, मतलब ये एक पैसिव कंपोनेंट है जो सर्किट के अंदर हमारे द्वारा हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। यहाँ पे उसका सिंबल दिया गया है, जनरल रेजिस्टर का सिंबल है ये। ये यूके स्टैंडर्ड है और ये यूएस स्टैंडर्ड है। वैल्यू का एक एग्जांपल दिया गया है। ओके, सो एक्चुअल हमें सिंबल को ध्यान देना है, अगर ऐसा सिंबल कहीं पे भी मिलता है तो ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है, और जनरली यही कॉमन सिंबल है जो सब जगह यूज होता है। ओके, सो अगर ये सिंबल दिखे तो हमें समझना है कि रेजिस्टेंस लगाया गया है। कहीं कहीं पे ये सिंबल भी दिख सकता है, दैट्स ओके, बट ज़्यादातर आपको यही सिंबल दिखेगा, और उसे हम लोग आर या आर के आजू बाजू कोई एक लेटर रहेगा उसे डिनोट करते हैं, और उसका मेजरमेंट हम लोग ओम में करते हैं।
सो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर हम लोग रेजिस्टर यूज करते हैं टू रिड्यूस द करंट फ्लो और टू कंट्रोल द करंट फ्लो। ये जो करंट का फ्लो होता है उसे रिड्यूस करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए, सिग्नल का लेवल एडजस्ट करने के लिए, वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए, बायसिंग के लिए या टर्मिनेशन, ये मेजर रेजिस्टर का यूजेस है सर्किट में। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ हमें बार बार सामने आने वाली है। एज ए नॉर्मल करंट रिडक्शन मोड, सिग्नल एडजस्टमेंट मोड, वोल्टेज डिवीजन मोड, बायसिंग मोड और टर्मिनेशन मोड, ये सब मोड बहुत कॉमन है नॉर्मल सर्किट में, और इसमें बार बार ये रेजिस्टर्स का प्रयोग होगा। सो हमें याद रखना है कौन सी जगह वो कौन से मोड पे काम कर रहा है। यहाँ पे एक रेजिस्टर का कॉमन यूज दिखाया गया है कि हम लोग एक से ज़्यादा रेजिस्टर अगर सीरीज में लगाते हैं तो उसका टोटल जो कैलकुलेशन है, R1 प्लस R2 प्लस जितने भी रेजिस्टर आपने लगाए, एन मतलब एन नंबर ऑफ रेजिस्टर, एनी नंबर ऑफ रेजिस्टर, उसका टोटल जो वैल्यू है वो इन सब का एडिशन होगा। जितने भी रेजिस्टर लगाए हैं इसको रेजिस्टर इन सीरीज कहते हैं। आगे हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में। फिर उसके बाद रेजिस्टर को हम पैरेलल में भी लगा सकते हैं, तो उसका जो ओवरऑल एक्चुअल रेजिस्टेंस यहाँ पे मेजर होता है दो पॉइंट के बीच में, यहाँ और यहाँ, वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब जो भी रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू डिवाइड हो जाएगा। सो टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो इस फॉर्मूला से कैलकुलेट होगा, 1/ रिक्वायर्ड रेजिस्टर और इक्विवेलेंट रेजिस्टर इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 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 जितना भी रेजिस्टर आपने लगाया है। ओके, एन नंबर ऑफ रेजिस्टर हो सकता है, तो वैल्यू जो है वो कम हो जाता है पैरेलल सर्किट में, और सीरीज सर्किट में वैल्यू बढ़ जाता है।